Hello, good morning my dears. How are you all? I hope you all are happy and healthy at home. First of all, today is 7th of November 2020 and today is Saturday. तो आज हम करेंगे मैचिंग ऑन अ नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज लेटर सी डी पी एंड डब्ल्यू एंड हेयर इज सम पिक्चर्स ऑफ रिलेटेड टू लेटर्स. तो हम आज जो मैचिंग करने जा रहे हैं ये है हमारे लास्ट अक्टूबर मंथ की एक रिवीजन है. आपको पता चल जाए कि हमने ये काम साथ साथ करना है क्योंकि ये ना हो कि आप आगे का काम करते जाओ और पीछे का काम आपका छूट जाए, आप भूल जाओ. इसीलिए साइड बाय साइड आपने साथ का पिछला जो आपका काम है वो उसकी रिवीजन आपने करते जाना है. ओके, साथ साथ में करते जाओगे तो आपको वो याद रहेगा. अगर आप वो पिछला काम नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे. तो इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आपने ये लेटर्स देखने हैं, देन इनको आपने इन पिक्चर के साथ मैच करना है विद द कलर एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. नाउ लुक एट दिस, हेयर इज अ लेटर सी. तो मैंने सी को पिंक कलर किया से ऐसे. अभी मैं सिर्फ हल्का हल्का बता रही हूँ, ज़्यादा डार्क मत करना. एंड सी से क्या होता है, सी का पेन, सी का बॉल, सी का कैंडल. सी का कैंडल होती है. तो आपने सी का कैंडल को सेम कलर से मैच कर देना है ऐसे. ओके, वेरी गुड. दोनों का कलर पिंक है, इट मीन्स इस लेटर से ये वाली जो चीज है जस्ट लाइक कैंडल है तो इसको हमने मैच कर दिया. इट मीन्स ये इस लेटर से स्टार्ट हो रही है. नेक्स्ट इज डी. तो डी को मैंने कर दिया है ऑरेंज लाइक दिस. अब देखो डी से क्या होता है. डी से पेन होता है, बॉल होती है. नो डी डा, ये देखो क्या है, मैंने बनाया है ये डोर. तो आप डी डा डोर को सेम कलर ऐसे कर सकते हो. डी डा डोर, डोर पता है ना, दरवाज़ा जो आपके घर में रूम में हर जगह होता है ना, रूम के जो बाहर वाले जो उसके डोर होते हैं, गेट होता है, उसको भी हम डोर ही बोलते हैं. ओके, तो वो लेटर डी से स्टार्ट होता है. नाउ नेक्स्ट इज लेटर पी. पी को मैंने कर दिया है ग्रीन, डार्क वाला, डार्क ग्रीन. एंड पी पर पेंसिल, तो ऊपर ही मिल गई है ना, तो इसको हमने सेम कलर से मैच कर दिया लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू. तो डब्ल्यू को मैंने किया है येलो कलर. आप अपने फेवरेट कलर ले सकते हो, कोई भी चार, एनी फोर, तो उसको आप फिल कर सकते हो ऐसे. एंड डब्ल्यू वॉल, डब्ल्यू से क्या हो गया, वॉल. वॉल मतलब दीवार, कांध है ये, जिसको हम कांध भी बोलते हैं ना, ये है दीवार. एंड डब्ल्यू फॉर वॉल लाइक दिस. देखो अब कलर से तो मैचिंग हो गई. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप पेंसिल से भी मैच कर सकते हो. जैसे कि एग्ज़ाम में कुछ बच्चे लेके नहीं आते, भूल जाते हैं कलर्स, तो आप उसको पेंसिल से भी मैच कर सकते हो लाइक दिस. सी का कैंडल, डी डा डोर, पी पर पेंसिल एंड डब्ल्यू फॉर वॉल लाइक दिस. तो आपने ऐसे ही प्रॉपर वे से अपना काम करना है नोटबुक के ऊपर. सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.